हेलो एवरी वन इट्स मिशियल पे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हमने फोर्टीन पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं आज हम फिफ्टींथ पार्ट को करेंगे जिसमें हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें से एग्जाम्स में सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेस्पिरेशन इज अ ए केमिकल चेंज बी मैकेनिकल प्रोसेस सी वाइटल प्रोसेस या डी फिजिकल प्रोसेस करेक्ट आंसर इज सी वाइटल प्रोसेस नेक्स्ट इज वेन प्रोटीन इज यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ए डार्क रेस्पिरेशन बी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन सी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या डी फोटो रेस्पिरेशन करेक्ट इज बी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट इज एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बी क्रिस्टे सी साइटोसोल या डी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा सी साइटोसोल नेक्स्ट टी सी ए साइकिल इज मतलब ट्राई कार्बोक्साइडिक एसिड साइकिल कौन सा है ए कैटाबॉलिक प्रोसेस बी एनाबॉलिक प्रोसेस सी एम्फीबॉलिक प्रोसेस या डी नन ऑफ दीज करेक्ट इज सी एम्फीबॉलिक प्रोसेस नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन ए साइटोप्लाज्म बी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सी क्रिस्टे या डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नेक्स्ट है क्रैप साइकिल इज रिलेटेड विथ ए क्लोरोफिल सिंथेसिस बी प्रोटीन सिंथेसिस सी फैट सिंथेसिस या डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेप्स आर देयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन ए फाइव बी फोर सी टू या डी वन करेक्ट आंसर इज ए फाइव नेक्स्ट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ए थ्री बी फोर सी सिक्स या डी एट करेक्ट आंसर इसका होगा सी सिक्स नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस एंडरोजेनिक बी एक्सरोजेनिक सॉरी बी एंडरगोनिक सॉरी ए एंडरगोनिक बी एक्जरगोनिक सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज बी एक्जरगोनिक नेक्स्ट है Number of CO2 molecules evolved in glycolysis is A2, B1, C3 or D0. Correct answer is D0. Next, eh, fermentation was discovered by A. Aristotle, B. Theophrastus, C. Pasteur or D. Warburg. Correct answer is C. Lewis Pasteur. Next, zymase was discovered by A. Lipman, B. Pasteur, C. Buckner or D. Altman. Correct answer is C. Buckner. नेक्स्ट इज एनरॉबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन एटीपी टी पी ए ट्वेल्व बी एट सी ट्वेंटी टू या डी टू करैक्ट आंसर इज डी टू नेक्स्ट है विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैप साइकिल कनेक्टिंग लिंक पूछा है ए आइसोसिट्रिक एसिड बी एसिटाइल सी ओ ए सी अल्फाकिटोगलुटैरिक एसिड या डी ग्लूकोज करेक्ट आंसर इज बी एसिटाइल सी ओ ए नैक्स्ट एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज़ ए एएमपी बी एटीपी सी आरएनए या डी डीएनए करेक्ट आंसर है बी एटीपी नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस एट ए सेल वॉल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सी न्यूक्लियस या डी साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एटीपी के एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होती है ए सेवन ट्वेंटी वन किलो कैलरी बी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलो कैलरी सी थाउजेंड किलो कैलरी या डी सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है The net gain of energy from 1 gram mole of glucose during aerobic respiration is A2ATP, B4 ATP, C thirty-eight ATP, A D40 ATP. Correct answer be C38 ATP. Next, which is associated with the enzyme ecotinase in Krebs cycle A molybdenum B iron C zinc or D copper. Correct answer is be B iron. Next द इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन इज ए अजाइड बी साइनाइड सी टू फॉर डाइनाइट्रोफिनॉल या डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर सी होगा टू फॉर डाइनाइट्रोफिनॉल ये एक तरह का क्या है हर बिसाइड है नेक्स्ट है द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एसेप्टर इज ए एन एड डी बी एफ ए डी सी ए टी पी या डी सी ओ ए करेक्ट आंसर इज ए एन ए डी नेक्स्ट आर क्यू इज ए टू बाय सी ओ टू बी सी ओ टू बाई ओ टू सी सी ओ टू प्लस ओ टू या डी सी ओ टू माइनस ओ टू करेक्ट आंसर इसका होगा बी सी ओ टू बाय ओ टू नेक्स्ट है एफिशियंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए सिक्सटी परसेंट बी फोर्टी फाइव परसेंट सी फिफ्टी परसेंट या डी फोर्टी परसेंट करेक्ट आंसर होगा डी फोर्टी परसेंट नेक्स्ट है हु इज़ एसोसिएटेड विथ ट्रिपल पी ए क्रैब्स बी वॉब एंड सी पेस्टर या डी करेक्ट आंसर इसका होगा डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा बी साइटोप्लाजम नेक्स्ट पूछा है आरक्यू ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर इन ऑर्डर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट है गेनोंगस रेस्पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजर ए रेट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बी रेट ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन सी आर क्यू या डी नन ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आर क्यू नेक्स्ट क्यू टेन वैल्यू ऑफ रेस्पिरेशन इज ए वन बी फाइव सी टू या डी फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टू इंजरी लीड्स टू डैश इन रेस्पिरेशन ए इंक्रीज बी डिक्रीज सी रिमेंस कांस्टेंट या डी इंक्रीज और डिक्रीज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाती है जब इंजरी होती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहिबिशन बाय ओ टू ऑफ द रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन डाउन इज ऑफन कॉल्ड एज ए गिप्स इफेक्ट बी वॉबर्क इफेक्ट सी पेस्टर इफेक्ट या डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी नेक्स्ट पूछा है इन क्रैप साइकिल हाउ मनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज क्रैप साइकिल में एक वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज होते हैं सो so, क्रैप साइकिल में एट वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज द टर्म फोटो रेस्पिरीशन ए पेस्च्योर बी क्रैप सी वॉबर्ग या डी डेकेर करेक्ट इज डी डेकेर नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन ए ऑल सेल्स बी ग्रीन सेल्स सी लिविंग सेल्स या डी नन ऑफ दीज इसका भी आंसर होगा बी ग्रीन सेल्स नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन फोटो रेस्पिरेशन इज ए कार्बोहाइड्रेट्स बी प्रोटीन सी ग्लाइकोलिक एसिड या डी ग्लाइकोक्साइलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड नेक्स्ट है वॉट विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ ए एल्बीमिंस बी प्लास्टोसाइन सी रूबिस्को या डी नन ऑफ दीज करेक्ट इज सी रूबिस्को नेक्स्ट ए हाउ मैनी ए टी पी एंड एन ए डी एच टू आर प्रोड्यूस्ड इन फोटो रेस्पिरेशन ए टू एंड फोर बी वन एंड टू सी फोर एंड सिक्स या डी ज़ीरो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी जीरो नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ रूबिस्को इज ए आर यू बी पी कार्बो बी आर यू बी पी ऑक्सीजनस सी आर यू बी पी कार्बो ऑक्साइल्स ऑक्सीजनस या डी नन ऑफ दी अबव करेक्ट है सी आर यू बी पी कार्बो ऑक्साइलस ऑक्सीजनेस ये है रूबिक Rubi, रूबिस्को की फुल फॉर्म नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन ए साइटोप्लाजम बी माइटोकॉन्ड्रिया सी क्लोरोप्लास्ट एंड पेरिग्जीजोम्स या डी क्लोरोप्लास्ट पेरोक्जिजोम या माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट हो जाएगा डी इन तीनों में फोटोरेस्पिरेशन होता है क्लोरोप्लास्ट पेरोक्जिजोम और माइटोकॉन्ड्रिया में नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ फैट इंटू शुगर कंस्टिट्यूट ए ई एम पी पाथवे बी रूबिस्को साइकिल सी ग्लाइकॉक्साइलेट साइकिल या डी सी टू साइकिल करेक्ट इज सी ग्लाइकॉक्साइलेट साइकिल नेक्स्ट C2 सी टू साइकिल इज असोसिएटेड विथ ए रेस्पिरेशन बी फोटो रेस्पिरेशन सी डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या डी कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू शुगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फोटो रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है सी टू साइकिल नेक्स्ट है ग्लाइकोक्साइलिक एसिड साइकिल वाज़ डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया था ग्लाइकोक्साइलिक एसिड साइकिल को सो पेस्र बी क्रेब्स एंड लिपमैन सी कॉर्नबर्ग एंड क्रेब्स या डी वॉबर्ग एंड डिकेंस सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी कॉनबर्ग और क्रेब्स ने डिस्कवर किया था नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फ्राइजेशन ऑफ वन एन एच टू एक एन एच टू एक सॉरी एक एक एन टू का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या रिजल्ट लाता है सो ये लाता है तीन एटीपी बनाता है ठीक है नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की यूज़ नहीं होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं वो किस में आकर होता है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में या डी इस डी नन ऑफ दी अबव सो उसका करेक्ट हो जाएगा बी सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में साइटक्रोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एलिप मैन बी क्रैप सी मैकमन या डी बार्न्स करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मैकमन नेक्स्ट है आरक्यू ऑफ ओपनशिया इज आरक्यू ओपनशिया का रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना होता है उसका होता है ज़ीरो ठीक है नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 192 ग्राम ऑफ ओ टू प्रोड्यूस ये ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है बट इसमें अपियर हुआ है तो इसका आंसर बता देते हैं बी 264 ग्राम ऑफ सी ओ टू प्लस हंड्रेड एंड एट ग्राम ऑफ एच टू ओ नेक्स्ट पूछा है साइटोक्रोम्स आर ए ओ टू एसेप्टर्स बी एच असेप्टर्स सी इलेक्ट्रॉन एसेप्टर्स या डी नन ऑफ दीज सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन एसेप्टर्स नेक्स्ट पूछा है पार्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू पैरुविक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय ए विशीनैक एंड ओकोआ बी क्रैप्स एंड लिपमैन सी एम्बेडन मेयर हॉफ एंड पार्नस या डी नन ऑफ अबव इसका करेक्ट हो जाएगा सी नेक्स्ट है अ नॉर्मल सेवेंटी टू के जी एडल्ट मैन रिक्वायर्स टू थाउजेंड एट हंड्रेड किलो कैलरी ऑफ़ एनर्जी पर डे हाउ मेनी ए टी पी मोलिक्यूल्स आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस सच अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है बट इसका आंसर हो जाएगा थ्री एटी फोर ए टी पी नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ लो एनर्जी यील्डिंग बिकॉज ए टू मच सी ओ टू अकूमुलेट्स इन द सेल बी लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन सी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट फुली ऑक्सीडाइज्ड या डी ग्लूकोज इज अनेबल टू ब्रेक इन एबसेंस ऑफ ओ टू सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ग्लूकोज मॉलिक्यूल फुली ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन लो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है नेक्स्ट है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए ग्लूकोज बी फैट्स सी प्रोटीन्स या डी अमीनो एसिड्स ऑब्वियसली ग्लूकोज होता है नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय ए पेरेंक्राइम सेल्स बी ऑल लीव सेल्स सी ऑल सेल्स या डी ऑल लिविंग सेल्स करेक्ट आंसर इज डी ऑल लिविंग सेल्स नेक्स्ट इज अ करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ राइटनिंग ऑफ सम फ्रूट्स लाइक बनाना इज अ सडन इंक्रीज इन रेस्पिरेशन विच इज़ नोन एज ए क्लाइमेक्टेरिक बी एंथिसिस सी क्लाइमेटिक या डी फोटो रेस्पिरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइमेक्टेरिक प्रोसेस होता है इस तरह का Uh, fruit ripening next a translocation of solutes takes place from a higher concentration of soluble form to lower concentration B, lower concentration to higher concentration see both a and b are d none of the above so correct answer is a next direction of translocation of solutes is a upward b downward c radial Or d all of these so correct is d all of these next is which of the following presents sink a developing leaves बी मेरी स्टेम सी रूट्स या डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा इसमें भी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट इज डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स टेक्स प्लेस थ्रू ए जाइलम बी फ्लोएम सी मेडुलरी रेज या डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज बी फ्लोएम नेक्स्ट इफ़ अ प्लांट इज गिडर्ल्ड विच पार्ट डाइज फर्स्ट ए लीव्स बी स्टेम सी रूट्स या डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज सी रूट्स रूट सबसे पहले इंजर हो जाती है Next is which is the most accepted theory of translocation of organic solution? A. Protoplasmic streaming theory. B. Transcellular streaming theory. C. Turger flow theory. Ya, d. none of these. Correct answer is C. Turgor flow theory. Next, protoplasmic streaming theory of translocation of solute was put upward by A. Munch. B. Vries. C. Thane. d. none of these. Correct is B. Vries. नेक्स्ट फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग आर ए एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस रिस्पेक्टिवली बी बोथ पैसिव सी बोथ एक्टिव या डी पैसिव एंड एक्टिव रिस्पेक्टिवली करेक्ट हो जाएगा सी दोनों एक्टिव प्रोसेस होते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल सी ओ ए ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बी ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजिनेशन सी ऑक्सीडेटिव डी या डी ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑक्सीडेटिव डी नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल सीओए ए फ्रॉम पायरुविक एसिड नीड्स ए सिंगल एंजाइम, बी टू एनजाइम्स सी मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स या डी नो एंजाइम करेक्ट आंसर इज़ सी मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट इज विच इज़ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन इनमें से कौन सी नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है सो so, ये है बी वाली थ्री फॉस्फोग्लिसरल डिहाइट से वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरल डिहाइट बनने को नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है क्योंकि कोई एंजाइम का यूज़ नहीं हो रहा है नेक्स्ट है conversion of succinate to fumarate in krebs cycle is due to a loss of electrons from it b removal of hydrogen from it c addition of o2 to it d none of the above correct answer is b removal of hydrogen from it next a, क्रैप साइकिल में इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है तो फर्स्ट वाली करेक्ट सीक्वेंस है आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है और उससे फिर अल्फा किटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है इसको हम क्रैप साइकिल को बार बार बना बना करके प्रैक्टिस करेंगे तब जाके क्रैप साइकिल लर्न होती है नेक्स्ट है द रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर ए रिवर्सिबल बी नॉन रिवर्सिबल सी बोथ एंड बी या डी नन ऑफ दीज देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस की नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ट्रीज वुड डाई क्विकर ए हॉलो हार्टेड बी गर्डल्ड सी डेसीड्यूस या डी प्रून्ड करेक्ट आंसर होगा गर्डल्ड गर्डल्ड मतलब बार्क वगैरह को रिमूव कर देंगे तो ट्री एकदम से मर जाएगा क्योंकि प्रून प्रूनिंग तो हम करते हैं ट्रीज़ और प्लांट्स की डेसीडियस क्या होती है खुद ही लीफ फॉल करता है ना वो अपनी तो ट्रीज़ किससे तुरंत मर जाते हैं गर्डल करने से नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लूकोज बी सुक्रोज सी स्टार्स या डी माल्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सुक्रोज ठीक है कार फ्लावरिंग प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसलोकेशन और या मूवमेंट ऑफ फूड किसके फॉर्म में होता है सुक्रोज के फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन इज ए ग्लूकोज एंड ओ टू बी ग्लूकोज एंड सी ओ टू सी ग्लूकोज एंड कार्बन या डी ग्लूकोज एंड सुक्रोज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ग्लूकोज एंड ओ टू नेक्स्ट है ए में क्या क्या होते हैं एडिनोसिन राइबोज या फॉस्फेट बी एडिनोसन डी या फॉस्फेट सी एडिनिन राइबोज एंड फॉस्फेट या डी एडिन डी एंड फॉस्फेट सो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ए के अंदर एडिनिन राइबोज और फॉस्फेट होते हैं नेक्स्ट है एन इनडिस्पेंसिबल रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज़ प्लेड बाय ए फॉस्फोरस बी लिथियम सी सोडियम या डी कैल्शियम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉस्फोरस नेक्स्ट इन एनुअल प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस मेनली थ्रू ए स्टोमेटा बी स्टेम सी लीफ स्कार्स या डी लेंटी सेल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली स्टोमेटा एनुअल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल वन ईयर में कंप्लीट करते हैं और जो प्लांट वन ईयर में कंप्लीट करते हैं वो मोस्टली सीरियल्स ग्रासेस या हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं तो उनमें लेंटिसल्स तो हो ही नहीं सकता स्टोमेटा से मेनली गैशियस एक्सचेंज होता है उनमें नेक्स्ट है विच इज़ फॉलोइंग, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है रेस्पिरेशन का सोर्स पूछा है ए स्टोर्ड फूड बी आर एन ए सी डी एन ए या डी ए टी पी करेक्ट आंसर इज ए स्टोर्ड फूड नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर ग्लूकोज ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है ये होता है वन ठीक है नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस ए इन द मैट्रिक्स बी एट द आउटर मेम्ब्रेन सी एट द क्रिस्टे या डी इन द इंट्रा क्रिस्टे प्लेस करेक्ट आंसर इज सी इन एट द क्रिस्टे क्रिस्टे में एटीपी uh, टी का सिंथेसिस होता है ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टे पार्ट है उसमें नेक्स्ट है इन प्लांट्स एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए ट्रांसपीरेशन बी रेस्पिरेशन सी फोटोसिंथेसिस या डी वाटर एब्जॉर्बशन करेक्ट आंसर है बी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट है अ कार्बोहाइड्रेट दैट डज नॉट रिक्वायर फर्दर डाइजेशन इन द प्लांट सेल इज ए ग्लूकोज बी स्टार्च सी सुक्रोज या डी सेल्यूलोज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ग्लूकोज नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाई ए मैग्वीन बी कॉस्टिक्वी सी क्लीन या डी पेफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कॉस्टिक्वी देखिए प्रोनाउंसिएशन में कई बार मिस्टेक हो सकती है सो प्लीज डोंट माइंड इट नेक्स्ट है रेस्पिरेशन अकर्स ए ओनली इन नॉन ग्रीन सेल्स इन लाइट बी ओनली इन नॉन ग्रीन सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क सी इन ऑल लिविंग सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क या डी इन ऑल लिविंग सेल्स ओनली इन लाइट सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को रेस्पिरेशन किस में होता है सारे लिविंग सेल्स में इ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस कोई लाइट और डार्क का कोई फर्क नहीं पड़ता है जितने भी लिविंग सेल्स हैं सब में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है नेक्स्ट पूछा है ओल्डर स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स हैव स्ट्रक्चर्स विच अलाउ एयर टू डिफ्यूज़ इन टू द रिस्पायरिंग सेल्स दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ए लीफ स्कार्स लीफ कैसे होगी स्टेम के वुडी वुडी प्लांट्स के स्टेम में लीफ कैसे बी लेंटी सेल्स और लीफ स्कार्स हो सकते हैं बी लेंटी सेल्स स्टोमेटा या डी पोर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंटी सेल्स देखिए वुडी स्टेम का जब नाम आया है तो लेंटी सेल्स होगा क्योंकि हमने पहले वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी लेंटी uh, सेल्स से भी हो सकता है क्योंकि लेंटी सेल्स स्टेम में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस बी कैटाबॉलिक सी केमिकल या डी ऑल ऑफ दीज सो रेस्पिरेशन एक तरह का क्या है कैटाबॉलिक प्रोसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर रेस्पिरेशन द कन्वर्शन ऑफ़ एनर्जी इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लूकोज बी ए टी पी सी ए डी पी या डी ए एम पी सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ए टी पी नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन को और क्या कहते हैं ए इंट्रामोलिकुलर बी इंटरमोलिकुलर सी एक्स्ट्रामोलिकुलर या डी मोलिकुलर सो करेक्ट हो जाएगा ए इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है इसमें पूछा है रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंबशन इन द फैक्ट दैट ए ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एड वांस ड्यू टू कम्बशन बी ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज ग्रेजुअली रिलीज ड्यू टू कम्बशन सी कंपेरेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूज ड्यू टू कंबशन या डी द कार्बोहाइड्रेट एक्स एज अ कंबशन सब्सटेंस सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज इज रिलीज एड वांस ड्यू टू कम्बशन नेक्स्ट है एनर्जी ऑप्टेंड बाय अ सेल फ्रॉम कैटाबॉलिक रिएक्शंस इज स्टोर्ड इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ ए पायरुबिक एसिड बी ग्लूकोज सी एटीपी या डी डीएनए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है ठीक है नेक्स्ट है एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोजेज ए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बी एडिनोसिन ट्राईफॉसफेट सी ए डी ए या डी ए एम पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट देखिए एटीपी लिखा हुआ आए या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ आए बात सिर्फ एक ही है घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन रिच पल्सेस हैव रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इक्वल टू ए वन बी मोर देन वन सी लेस देन वन या डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी लेस देन वन नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इज एब्सेंस रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू टेक प्लेस मतलब किसके किस प्लांट uh, किस, uh, या एनिमल के अंदर ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होता रहता है ए मैन बी यीस्ट सी पोटैटो या डी स्पायरोरा इसका आंसर हो जाएगा यीस्ट यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है ह्यूम्स में हो नहीं सकता प्लांट्स में भी नहीं हो सकता स्पायरोगायरा एल्गी है इसमें भी नहीं हो सकता है ठीक है यीस्ट में हो सकता है नेक्स्ट है हाउ मेनी एटीबी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूसड फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन सो इसका आंसर हो जाएगा सी थर्टी एट मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट है वॉट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एसेप्टर इन रेस्पिरेशन ए साइटोक्रोम्स भी डीहाइड्रोजीनियस सी ऑक्सीजन या डीहाइड्रोजन सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑक्सीजन नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें बताना है जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन होता है सो so, वो कौन होता है पायरुविक एसिड नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम ए ग्लूकोज बी पामिटिक एसिड सी मैलिक एसिड या डी एमिनो एसिड इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पामिटिक एसिड नेक्स्ट पूछा है ओपनशिया में रात को रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना रहता है ए रहता है ज़ीरो ठीक है नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेप्स co2 टू इज़ रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कितने स्टेप्स में रिलीज हो जाती है सो थ्री स्टेप्स में रिलीज हो जाती है नेक्स्ट पूछा है पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ए ग्लाइकोलाइसिस बी क्रेफ साइकिल सी कैलविन साइकिल या डी फोटोरेस्पिरेशन करेक्ट हो जाएगा इसका ए ग्लाइकोलाइसिस नेक्स्ट पूछा है टू व्हाट कॉजेज आर क्यू टू वेरी ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वी प्रोडक्ट सी लाइट एंड ओ टू या डी टेम्परेचर सो इसका करेक्ट आंसर है ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नेक्स्ट है इन द वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज मोर दैन द वॉल्यूम ऑफ ओ टू यूज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस विल बी ये क्या पूछ रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिशन इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ ओ टू यूज तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या बनेंगे फिर फिर वो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बन जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स नेक्स्ट है द एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज़ ए ग्लूकोज सिंथेटेज बी सी फॉस्फोराइलेज या डी ग्लूकोज सिक्स फॉसफेटेज करेक्ट आंसर इज बी हेक्ग्जोकाइनेस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजाइम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आर क्यू इज़ जीरो वेन द रेस्पिरेटरी सबस्टेट इज ए कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बी इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड सी नॉट ऑक्सीडाइज्ड एट ऑल या डी रिड्यूस इसका आंसर हो जाएगा बी इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड सो ये थे आज के हमारे हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अगर लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टेट फॉर मोर न्यू लेसन्स